हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का हल कर लिए थे, पूर्ण रूप से उसको समाप्त कर लिए थे। डियर स्टूडेंट, आज प्रश्नावली 3.3 आपको सामने या आपके आज की क्लास में प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करना है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि आज से हम लोग सीखेंगे कि किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक पद को प्रतिस्थापित करना, एक पद को उसके स्थान से हटा देना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप होता है कि दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का प्रतिस्थापन करते हैं, फिर जिसका प्रतिस्थापन किए रहते हैं उसमें उसका जो मान आता है, जो एक मान प्राप्त होगा उसमें नहीं रखते हैं, बस यही करना है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है, क्या है? निम्नलिखित त्रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहला सवाल है एक्स प्लस वाई बराबर 14 कितना है, फिर क्या है एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर क्या बना लिए, 2 बना लिए। प्यारे बच्चों, किसी एक का प्रतिस्थापन आप कर सकते हो, चाहे 2 का कीजिए चाहे 1 का कीजिए। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। तो डियर स्टूडेंट, जरा सा समझिएगा, प्रतिस्थापन का मतलब होता है चाहे आप x को उठा के उधर कर दीजिए चाहे y को उधर कर दीजिए, किसी एक पद को उसके स्थान से हटा दो डियर स्टूडेंट, यही प्रतिस्थापन होता है। तो आइए करते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 है। अब y का हम लोग प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो ये माइनस वाई का प्रतिस्थापन करोगे डियर स्टूडेंट तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, यानी x बराबर 4 प्लस वाई, समीकरण नंबर क्या बना लिए, 3 बना लिए। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या था, जिसका हम लोग प्रतिस्थापन कर लेते हैं उसमें इसका मान नहीं रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से एक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक्स के ही स्थान पे 4 प्लस वाई है, इस एक्स के स्थान पे 4 प्लस वाई रख देंगे, तो 4 प्लस वाई, ये y बराबर कितना है, 14 है। y वाले पक्ष हम देखिए, ये y प्लस हो के कितने हो गए, 2y प्लस कितना है, 4 है, बराबर 14। 4 उधर चले जाएंगे, 4 का पक्षांतर कर दोगे तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4, ये प्लस 4 उधर जाएंगे माइनस 4 हो जाएगा, 2y बराबर 14 में से 4 घटा दिए कितना आ गया, 10, 2 के 2, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, y बराबर क्या मिल गए, 5 मिल गए। अब यही y की वैल्यू आप चाहे समीकरण 3 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में रख लो, चाहे समीकरण 1 में, तो क्या लिखेंगे, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, तो 4, y का मान कितना है, 5 है, यानी 4 और 5 जोड़ दोगे डियर स्टूडेंट, x का मान 9 आ जाएगा, y का मान 5 आया है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो आइए हम इसके आगे के सवाल को देखते हैं डियर स्टूडेंट, आगे के जो कुछ सवाले हैं वो देख लेते हैं। तो आपका जो चौथा नंबर है उसको देखते हैं जरा, तो इसका चौथा नंबर क्या है, 0.2x है, कितना है डियर स्टूडेंट, 0.2x है, फिर क्या है, प्लस 0.3y है, फिर क्या है, बराबर 1.3 है, फिर क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है, 2.3 है। प्यारे बच्चों, जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा,
अब दशमलव देख के डर मत जाइएगा। आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, लिखेंगे समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। आप दशमलव को हटा के भी लगा सकते हैं और दशमलव को बिना हटाए लगा सकते हैं। हम दशमलव को हटा देते हैं, क्या लिखेंगे, दस गुणे, क्या करते हैं, या तो आप ऐसा कीजिए, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, समीकरण एक में दस को सॉरी पॉइंट को हटाते हैं। तो पॉइंट को हटाते हैं तो जैसे आपने पढ़ा होगा 0.2 लिखे रहते हैं, तो ये पॉइंट काटते हैं तो एक लगाते हैं, आगे जितने अंक रहते हैं उतने जीरो उतार लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हम इनको हटा सकते हैं पॉइंट को, अगर इन पॉइंट को हटाना है तो हम जरा सा क्या लिखते हैं, फिर से इसको लिखते हैं, क्या अब इसको हटाते हैं, तो ये पॉइंट काटोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ एक आ जाएगा, आगे एक अंक है उतार लिए एक जीरो, फिर यहाँ से पॉइंट काटे क्या आ गए, एक आ गए, आगे एक अंक थे एक उतार लिए, फिर यहाँ से पॉइंट काटे यहाँ लगा लिए दस आ गए। अब देखिए डियर स्टूडेंट ऊपर क्या बचा है, दो एक्स हो गए, ये दशमलव का काम खत्म, दो एक्स बचा है, प्लस यहाँ कितना बचा है, तीन वाई बचा है, और दोनों में दस बटे दस है, तो आप क्या कीजिएगा, ये देखिए बटे दस लिख लिए, बटे दस लिख लिए, बराबर वहाँ कितना है, तेरह बटे दस है, तो एक बटे दस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, एक बटे दस जब कॉमन लोगे तो दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर तेरह बटे कितना आ गया, दस। तो प्यारे बच्चों ये दस से दस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर तेरह, समीकरण नंबर एक इसे बना लेंगे प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, दूसरा क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है, 2.3 है, कितना है, 2.3। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको भी पॉइंट हटाते हैं तो बटे 10, इसको भी पॉइंट हटाएंगे बटे 10, इसको भी पॉइंट हटाएंगे बटे 10, तो डियर स्टूडेंट इसी के जैसा यहाँ भी 1/10 कॉमन हो जाएंगे, तो 4x बचा, यहाँ कितना बचा है 5y बराबर उधर क्या बचा है 23/10। आप देखिए 10 को 10 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 4x प्लस 5y बराबर कितना आ गया 23, समीकरण नंबर दो। तो किसी एक का आप क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापन कर दीजिए डियर स्टूडेंट। तो अगली बार हम लोगों ने समीकरण दो का प्रतिस्थापन किए थे, इस बार समीकरण एक का प्रतिस्थापन करते हैं। तो समीकरण एक का प्रतिस्थापन करने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन करने पर। तो डियर स्टूडेंट लिखते हैं समीकरण एक क्या है, 2x प्लस कितना है 3y बराबर कितना है 13। तो किसी एक पद को आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो हम लोग जिसको मार्क बनाए हैं इसी को प्रतिस्थापित करेंगे, तो 3y उधर चला जाएगा, तो 13 माइनस कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 3y उधर गए तो माइनस 3y हो गए। अब इसका प्रतिस्थापन करेंगे, इसका प्रतिस्थापन करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 13-3y बटे कितना हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 3 हो गए। अब क्या रूल है कि समीकरण 3 से जो जिसका मान पाए हो उसी का मान जिसका प्रतिस्थापन नहीं किए रहोगे उसी में रख दोगे बच्चों। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 4x प्लस कितना है 5y बराबर 23। तो प्यारे बच्चों ये 4 हो गए, इसी x के स्थान पे ये रखना है 13-3y बटे 2 है, और प्लस कितना है 5y बराबर 23। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4। तो प्यारे बच्चों 2 का मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो 13 × 2 = 26, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो 6y, फिर 2 का अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे प्यारे बच्चों, ये 5y आ गए बराबर 23। फिर से समझिए 2 का मल्टीप्लाई इससे, 2 का मल्टीप्लाई इससे, और देखिए प्यारे बच्चों माइनस 6 है प्लस 5 है, तो माइनस 6y में से 5y घटाओगे तो एक माइनस वाई आएंगे बराबर, ये 23 है, 26 उधर जाएंगे तो माइनस 26 हो जाएंगे, ये माइनस वाई बराबर 23 में से 26 घटाओगे माइनस 3 आ जाएंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया 3। अब यही वाई का मान आप कहाँ रख दोगे समीकरण 3 में, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13-3y बटे 2 है,
तो चलिए 13 माइनस 3, वाई के स्थान पे क्या रखना है, 3 रखना है, बटे कितना हो गया 2, ये आ गए 13। तीन त्रिका भैया 9, तो 13 माइनस कितना हो गया 9 बटे 2, 13 में से 9 घटाओगे तो 4 आएंगे, बटे 2 कैंसिल कर दोगे 2 आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 2। तो डियर स्टूडेंट इसी प्रकार समीकरण को हल करते हैं, x बराबर 2, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो दशमलव से नहीं डरना है प्यारे बच्चों, दशमलव तो अपने समझ लीजिए आप लोगों का मित्र है, ये समझ लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग जितने इसमें बचे जो सवाल हैं प्यारे बच्चों वो आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते, अगर किसी भी एनी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप बेहिचक कमेंट में कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए आपके दूसरे सवाल का की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा सवाल है 2x + 3y = 11 है, क्या है 2x + 3y = 11, फिर है 2x - 4y = कितना है 24 है, क्या है प्यारे बच्चों -24 है, ठीक को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए, इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या है mx + 3, यानी आपको यम का मान ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे इसका समीकरण का, पहले इन दोनों समीकरण को आपको क्या करना है हल करना, क्या करना है हल करना है, यहाँ इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, x के स्थान पर और y के स्थान पर रख देंगे तो हमको इससे यम का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण नंबर का बनाते हैं, 1 बना लेते हैं, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं प्यारे बच्चों। अब किसका प्रतिस्थापन करें दूसरे का करते हैं, चलिए समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करने पर, क्या करने पर प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 2 का है 2x - 4y = -24 है। अब ध्यान समझिए, अब हम क्या करते हैं ये 4y उधर चला जाता है, तो ये 4y देखिए हम मार्क में बना लिए, हमने इसका प्रतिस्थापन किया, जब ये वाले पद इधर जाएंगे तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x बराबर ध्यान से बचिएगा, इसको प्लस वाले को पहले लिख दिए 4y और ये माइनस कितना हो गया 24 हो गए। अब इस 2 का प्रतिस्थापन करते हैं प्यारे बच्चों, तो इधर गुणा में है तो उधर क्या हो जाएगा भाग में, 4y - 24 बटे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक ये समीकरण नंबर आप क्या बना लिए 3। अब क्या करते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2x + 3y = 11 है, क्या है 11। अब ध्यान समझिए ये 2 आ गए, x के स्थान पे क्या रखना है डियर स्टूडेंट ये रखना है, क्या रखना है 4y माइनस कितना है 24 है और बटे कितना है 2 है, फिर क्या है प्यारे बच्चों देखिए +3y = 11, ठीक 2 से 2 क्या हो गए कैंसिल हो गए, आपके सामने क्या बचा है 4y - 24 + 3y = 11। तो प्यारे बच्चों देखिए 4y और 3y प्लस कर दिए कितने आ गए 7y = 11 है, ये -24 का पक्षांतर आपने इधर किया तो क्या हो गए +24, और 24 और 11 आपने जोड़ दिया, 24 और 11 जोड़े कितना आ गया 7y = 35, 24 और 11 जोड़ दिए 7 × 7 = 35, y = कितना आ गया 5 आ गया। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख दो प्यारे बच्चों, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है प्यारे बच्चों x = 4y - 24 बटे कितना है 2 है, तो यहाँ 4 इस y के स्थान पे क्या रखना है 5 रखना है, -24 बटे कितना है 2 है, तो 4 × 5 = 20 - 24 बटे 2, 24 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा
24 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, -4/2 कैंसिल कर दोगे -2, यानी x का मान कितना आ गया डियर स्टूडेंट, -2 आ गया। तो x की वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया, y की वैल्यू ज्ञात कर लिया, m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस 3 है, तो y का मान क्या है प्यारे बच्चों, 5 है, रख दीजिए। m नहीं पता है पर x पता है, x का मान कितना है -2 है प्लस 3, ये 3 इधर आ जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो जब ये 3 इधर आएगा तो 3 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएंगे -2m। तो 5 में से 3 घटा दिए 2 बराबर -2m, 2 से 2 क्या हो गए कैंसिल हो गए प्यारे बच्चों। तो यहाँ -1 है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो m बराबर क्या आ गया -1, तो आप m का मान क्या आ गया 1 मिल गए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम लोग समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं, दूसरे का समाधान ये है डियर स्टूडेंट। तीसरा सवाल आप लोगों का क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 24 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों तीसरे का पहला पार्ट है, क्या कह रहा है एक बार फिर से सवाल को रिपीट करते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो माना वो दो संख्याएं x हैं और क्या y है। फिर से कहते हैं, माना एक संख्या x है दूसरी संख्या क्या है y है, तो मान लेते हैं माना प्रथम संख्या क्या है x है, प्रथम संख्या क्या है x है और द्वितीय संख्या क्या है y है, द्वितीय संख्या क्या है डियर स्टूडेंट y है। अब सुनिएगा, प्रथम शर्त आपसे सवाल में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त कह रहा है कि दोनों का अंतर, दोनों का अंतर का मतलब दोनों में माइनस है, दोनों का अंतर मतलब दोनों का माइनस, यानी एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 26 है, समीकरण नंबर 1 तैयार हो गए। सोचिए कह रहे हैं कि दोनों का अंतर, यानी दोनों को घटाइए, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 26 आएगा, आपका सवाल कह रहा है। दूसरा शर्त, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, कह रहे हैं जो ये इनमें से एक संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कोई भी एक संख्या दूसरे संख्या के क्या है 3 गुनी है, यानी x जो है दूसरे के कितनी गुनी है 3 गुनी है, तो दूसरे के 3 गुनी, समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है 26 है, x के स्थान पे क्या रख देंगे डियर स्टूडेंट 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से 1y घटा दिए कितना आ गया 2y बराबर 26, 2 1 के 2 13 दूनी 26, तो y बराबर कितना आ गया 13 आ गया डियर स्टूडेंट, y का मान आपको मिल गया। अब यही y का मान आप समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 का है x बराबर 3y है, तो ये 3y के स्थान पे 13 3 39, यानी x का मान कितना आ गया 39। अगर प्यारे बच्चों उत्तर की जांच करना है तो देखिए x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई, x के स्थान पे 39 y के स्थान पे 13 रखोगे घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा 26 मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका ये पहला नंबर कंप्लीट हो जाता है तीसरे का पहला सवाल। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ क्या है, दूसरा सवाल आपसे कह रहा है यदि दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो कोण, दो संपूरक, संपूरक का मतलब होता है दो 90, दो कोणों का योग क्या हो जाए 180 हो जाए, संपूरक का मतलब होता है कोई दो भी कोण मिलकर क्या हो जाए 80 हो जाए 180 हो जाए सॉरी कोई भी दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 अंश हो जाए, वो क्या कहलाते हैं संपूरक कोण कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम मानते हैं, माना बड़ा कोण एक्स है, छोटा कोण क्या है वाई है, क्योंकि कह रहा ना कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो हम क्या करेंगे माने क्या मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, मानते हैं कि बड़ा कोण एक्स है छोटा कोण क्या है वाई है,
माना बड़ा कोण क्या है, एक्स है, छोटा कोण क्या है, वाई है, छोटा कोण क्या है, वाई है। तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है आपसे सवाल में, प्रथम शर्त कह रहा है कि दोनों जो कोण है वो क्या है, संपूरक कोण है, यानी ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180। समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे। फिर क्या होता है दूसरा शर्त, क्या होता है दूसरा शर्त, दूसरा शर्त क्या है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण कौन है, एक्स है, छोटे कोण से, ध्यान समझिएगा, छोटे कोण से, तो छोटा कोण ये है, ठीक, तो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है, 18 आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिए। समीकरण नंबर क्या बना लिए, दो बना लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण दो से एक्स का मान समीकरण एक में रख दीजिए, समीकरण दो से एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 180, एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, वाई प्लस 18 रख देंगे, और एक पहले से आपका वाई यहाँ है, बराबर 180 हो गया, ठीक, वाई वाई जोड़ के कितने हो गए 2y प्लस 18 बराबर 180। अब 18 उधर चला जाएगा, 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 2y बराबर 180 माइनस 18, ठीक, 2y बराबर घटाइए तो 10 में से 8 घटाओगे 2 आ जाएंगे, यहाँ 7 में से 1 यानी 162 आ गए, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 8 16, 2 1 2, यानी वाई का मान कितना आ गया 81 आ गया, छोटा कोण कितना आ गया 81 आ गया। अब बड़ा कोण, तो समीकरण दो से, समीकरण दो से, तो समीकरण दो का है एक्स बराबर वाई प्लस 18 है, तो यहाँ वाई का मान कितना है 81 है, ये 18 है, तो जोड़ देंगे तो 99 आ जाएंगे, यानी बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण कितना 81 डिग्री। तो इस प्रकार इस सवाल को हम लोग हल करेंगे बच्चों। तो चलिए इस क्रम में आपका जो अगला सवाल आता है वो क्या है, वो आइए हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक सवाल, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार का सवाल हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 में समाधान किए हैं, तो आप इसको लगाइएगा, ना लगा पाएँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा बच्चों, हम आपके इस सवाल को भी लगा देंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला इस क्रम का। एक नगर में टैक्सी, फोर्थ नंबर है, सवाल इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग बना के रखिएगा। क्या कह रहे हैं, एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े से अतिरिक्त चली गई दूरी है। समझिए बच्चों ऐसे कुछ समझिएगा आप, ये कोई नगर की रोड है, ठीक, यहाँ तक निश्चित हो गया है कि आप 1 किलोमीटर के लिए या 2 किलोमीटर के लिए आपको नियत भाड़ा देना है, एक्स देना है, ये क्या है नियत भाड़ा, क्या है नियत भाड़ा। अब आप आगे से जितने किलोमीटर चलोगे उतने किलोमीटर का अलग किराया दोगे, यानी प्रत्येक किलोमीटर का आप वाई रुपये दोगे, ये आपकी अतिरिक्त किराया है प्यारे बच्चों, यानी आप यहाँ से यहाँ तक का आपको 2 किलोमीटर का एक्स देना है, बाकी जितने किलोमीटर चलोगे हर एक किलोमीटर का वाई रुपये देना है। तो प्यारे बच्चों मानेंगे, माना नियत किराया, माना नियत किराया क्या है एक्स रुपये, नियत किराया कितना है एक्स रुपए, और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना है वाई रुपए, अतिरिक्त किराया कितना है वाई रुपए, ध्यान समझिएगा बच्चों। अब क्या कह रहे हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, ठीक, यानी जितने दूरी चलोगे उसका अलग से भाड़ा देना पड़ेगा और एक नियत भाड़ा है।
करण 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो डियर स्टूडेंट, प्रथम शर्त, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो कि एक बार क्या करता है, 10 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में नियत भाड़ा जोड़कर और अतिरिक्त भाड़ा जोड़कर, नियत और अतिरिक्त जोड़कर वो 105 रुपये देता है। तो नियत कितना माने हो, एक्स माने हो। अब कितने किलोमीटर चले हो, एक किलोमीटर का वाई रुपये देना है, तो 10 किलोमीटर चले हो तो 10 वाई हो जाएंगे, x प्लस 10 वाई बराबर कितने पूरा टोटल दिए थे 105, समीकरण नंबर एक हो गए। इसी प्रकार का होगा दूसरा शर्त, दूसरा शर्त क्या हो जाएगा, दूसरा शर्त कह रहा है कि 15 किलोमीटर चला है, 155 रुपए दिए हैं, तो नियत भाड़ा तो ही रहेगा, इस बार 10 किलोमीटर चलने के बजाय कितना चला गया 15, एक किलोमीटर का वाई तो 15 किलोमीटर का 15 वाई बराबर 155, समीकरण नंबर का बना लिए, दूसरा बना लिए। अब क्या करेंगे, किसी एक का प्रतिस्थापन कर दीजिए डियर स्टूडेंट, किसी एक का प्रतिस्थापन कर दीजिए और वहां से मान निकाल कर किसी एक में रख दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण दो का प्रतिस्थापन करते हैं, क्या करते हैं, समीकरण दो का प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण दो का प्रतिस्थापन करेंगे, क्या है x प्लस 15y बराबर कितना है 155। तो इसको जब हम लोग भेजेंगे, प्यारे बच्चों फिर से समझिएगा, इसको जब हम प्रतिस्थापन करेंगे तो ये प्लस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 155 माइनस 15y समीकरण नंबर का आ गया 3। समीकरण 3 से x की वैल्यू समीकरण एक में रख देंगे, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 है, तो यहाँ x के स्थान पे क्या रखना, देखिए 155 माइनस 15y प्लस कितना है 10y बराबर 105। तो ध्यान से समझिए, माइनस 15 प्लस 10 है, तो माइनस 15 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 5y आ जाएगा बराबर इधर 105 है, ये 155 प्लस है तो इधर उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस 155 हो जाएंगे, तो इधर माइनस 5y आ गया, 155 में से 105 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 50, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 एक के 5, 5 दहमा 50, यानी वाई बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब यही वाई का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 3 में, वाई बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सा है, देखिए एक्स बराबर 155 माइनस 15y, तो ध्यान से समझिएगा 155 माइनस 15y के स्थान पे 10, तो ये तो 155 15 दहमा 150 घटा दोगे तो 5 आ गए, यानी जो नियत भाड़ा है वो आपको 5 रुपये देना है और जो एक किलोमीटर का भाड़ा है, जो अतिरिक्त भाड़ा है वो आपको 10 रुपये देना है। तो इसी में पूछा है 25 किलोमीटर के लिए किराया, तो 25 किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, उसमें दो भाड़ा जुड़ जाएगी, एक्स नियत और प्लस 25y, तो एक्स का मान हम रख देंगे, एक्स का मान कितना है 5 है, ये 25, वाई का मान क्या है, वाई का मान 10 है, तो 25 दहमा 250 और 5 जोड़ दोगे 255 रुपये 25 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका ये जो चौथा पोर्शन है आप इसे हल कर सकते हैं, ऐसे ही बोर्ड पेपर में लिखना भी रहता है प्यारे बच्चों, इससे जरा सा भी हटके मत लिखिए कुछ। चलिए अब आपके पास इस एक्सरसाइज में दो सवाल बचे हैं प्यारे बच्चों,
एक वी नंबर है, एक वी आई है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आप प्रश्नावली 3.1 में ऐसा सवाल लगाए हैं। एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा अपने तरफ से डियर स्टूडेंट, अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इस चैप्टर का मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसी के साथ साथ आज की क्लास हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो चलिए क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में, चलिए क्या कर रहे हैं, वी नंबर है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, माना अंश x है, हर y है, माना अंश क्या है x है और हर क्या है y है। तो डियर स्टूडेंट, जो भिन्न होगी आप जानते हो भिन्न होता है अंश बटे हर, यानी x बटे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो प्रथम शर्त देखिए, प्रथम शर्त वो क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान से समझिए, करा अंश में भी 2 जोड़ दें, हर में भी 2 जोड़ दें, तो ये जो भिन्न है ना वो 9/11 हो जाएंगे। तो जोड़िए, तो अंश में 2 जोड़े तो x प्लस 2 और हर में 2 जोड़े तो y प्लस 2 बराबर का हो गए, भिन्न 9/11 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 11x, 11 दुना कितना हो जाएगा 22, फिर 9 का मल्टीप्लाई y से किए तो 9y, 9 दुनी कितना हो गया 18। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं तो 11x आ गए, ये इधर आए कितने हो गए -9y, ये आपका +22 पहले से था, ये इधर आए -18 = 0। तो ये 11x आ गए, 9 - 9y, 22 में से 18 घटा दिए, +4 = 0, समीकरण नंबर 1 हो गए। अब क्या करें, यदि अंश व हर में 3 जोड़ दे तो वह 5/6 हो जाती है। तो दूसरा शर्त क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा शर्त कह रहा है, चलिए दूसरा शर्त कह रहा है अंश में भी 3 जोड़ दे तो x प्लस 3, हर में भी 3 जोड़ दे तो वह 5/6 हो जाती है, 6 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 का मल्टीप्लाई x से करोगे 6x, 6 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 18, फिर 5 का मल्टीप्लाई y से करोगे 5y, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 15। तीन को व्यवस्थित कीजिए, तो देखिए 6x आ गए, ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे -5y, ये आपके क्या है +18, ये इधर आए तो -15, उधर कुछ नहीं बचा 0। तो 6x -5y, 18 में से 15 घटा दिए, +3 = 0, समीकरण नंबर का आ गए। तो आप क्या करेंगे, किसी एक का प्यारे बच्चों क्या कर लेंगे, प्रतिस्थापन कर लेंगे, क्या कर लेंगे प्रतिस्थापन। तो चलिए डियर स्टूडेंट, किसका प्रतिस्थापन किया जाए, चलिए तो समीकरण 2 का ही करते हैं। समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 2 का है 6x -5y +3 = 0। ध्यान समझिए प्यारे बच्चों, ये -5y उधर जाएगा तो +5y हो जाएगा, ये +3 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -3। तो 6x बराबर, जब -5y उधर गए तो +5y, ये 3 गए तो उधर -3 हो गए। अब ये इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, x बराबर 5y -3/3 कितना हो गया 6, समीकरण नंबर का बना लिए 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 11x है -9y प्लस कितना है 4 = 0। तो ये 11 आ गए, x के स्थान पे क्या रखेंगे 5y -3/ कितना है 6 है, ये -9y +4 = 0। क्या करेंगे, 11 + 5 कितना हो जाएगा 55y, 11 * 33/6, माइनस कितना है 9y/1 कर लीजिए, +4/1 = 0। 6 1 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 55y माइनस कितना आ जाएगा 33, 6 से डिवाइड किए एक बार, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 1 * 6 = 9, 9 * 6 = 54y आ जाएंगे, फिर 1 * 6 =
तो 4×6=24 आ गए, बराबर 0/1। आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई x करोगे तो कोई मतलब नहीं। तो 55 में से 54 वाई घटाओगे बच्चों तो y आएगा, -33 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा -9=0, 9 उधर कर दोगे तो y बराबर कितना जाएगा 9। तो इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे डियर स्टूडेंट। तो इस बार क्या करेंगे y का मान, तो चलिए प्यारे बच्चों इधर हम लोग लिख लेते हैं जरा सा, इसको मूव कर लेते हैं इतना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 का है x बराबर 5y-3/6, ये 5, y का स्थान कितना है 9 है, फिर -3/6, तो देखिए कितना आ जाएगा 5×9=45, फिर कितना है -3/6, 45 में से 3 घटाए 42/6, कैंसिल कर दिए कितना आ गया 7, तो x बराबर कितना आ गया 7। यानी जो भिन्न थी वो भिन्न क्या थी, भिन्न थी x/y, x कितना है 7 है, y कितना है 9 है। तो इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है डियर स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट डियर गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं है प्यारे बच्चों, बल्कि हम लोगों को एक तरफ की एनर्जी प्राप्त होती है। तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।